श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज शनिवार का चमत्कारी दिन है। आटे के दीपक का यह प्रयोग आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए बहुत कारगर रहेगा। गुरुदेव ने हम सभी को विशेष रूप से कई तरह के दीपक के उपाय बता रखे हैं, उसमें से ही यह एक चमत्कारी उपाय है। गुरुदेव ने अपनी पिछली कथाओं में कहा था, जो व्यक्ति आटे के दीपक का प्रयोग करता है, जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। आटे के दीपक को लगाने का कारण सबसे बड़ा यह होता है, सबसे दिव्य बताया जाता हैं आटे के दीपक, क्योंकि जब आटे के दीपक लगाते हैं तो हमें दीप दान का भी फल प्राप्त होता है और अन्नदान का भी फल प्राप्त होता है। आप कहेंगे अन्नदान का कैसे? जब दीपक प्रज्वलित होता है तो वह दीपदान का फल दे देता है। जब वह दीपक आटे का ठंडा हो जाता है और उसे जब चींटियां ग्रहण करती हैं, कबूतर मछलियां ग्रहण करती हैं अर्थात खाती हैं, तब जो है वह हमें अन्नदान का भी फल प्रदान करता है। इसलिए जो है शास्त्रों में आटे के दीपक को सर्वोत्तम बताया गया है। ऐसे में आप सभी रोज़ तो मिट्टी का दीपक लगाते ही होंगे, परंतु आज शनिवार के दिन एक आटे का दीपक बनाकर जरूर लगाएं, लाभ जरूर होगा, इस बात की गारंटी है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, जीवन में सभी चीज़ें उसे बिन मांगे मिल जाती है। शनि की साढ़े साथी ढैया इत्यादि, जब शनिदेव क्रोधित होते हैं तब उसकी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो ऐसे में आज शाम के समय में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो है हल्का सा अंधेरा हो जाए, हल्की सी अंधेरी सी हो जाए, ज़्यादा भी अंधेरा नहीं, हल्का सा अंधेरा हो जाए, तब जाए जो कि जो है आप एक आटे के दीपक का निर्माण कर लीजिए। आटे का दीपक बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं डालें, इस बात का ध्यान रखें। सामान्य तौर पर आटे का दीपक बनाना है गेहूं के आटे का, चाहे तो चौमुखा बना सकते हैं, चाहे तो सामान्य एक आटे का दीपक बनाकर आप पीपल वृक्ष के नीचे या शिव मंदिर में या शनि मंदिर में सरसों के तेल का गोल बत्ती का दीपक लगा दीजिए। सामान्य यह सरल प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति इससे सुख पाएगा। अब इस दीपक का मुख हमेशा या तो पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। पश्चिम दिशा शनिदेव की मानी जाती है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और साथ ही सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का लगाएं, यह नहीं कि घी का लगा दें। अन्य देवी देवताओं को जहाँ घी का लगाया जाता है, वहीं शनिदेव को या तो तिल का तेल, अगर सरसों का तेल लगा रहे हैं, तिल का तेल नहीं है, तो सामान्य रूप से काले तिल डाल दीजिएगा, उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तिल का तेल है तो अति उत्तम है। ऐसे में आप सभी पीपल वृक्ष आसपास है तो वहाँ लगा दीजिए, शनि मंदिर है तो वहाँ लगा दीजिए, नहीं तो भगवान शिव जो कि शनिदेव के गुरु हैं वहाँ पर आप सभी जो है एक दीपक आटे का लगा दीजिए आज शनिवार के दिन। और इस कार्य को करते हुए ओम शन शनिश्चराय नमो नमः जरूर कहें, या सामान्य शनि ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं, या ओम शन शनिश्चराय नमः कह सकते हैं। जीवन में देखिएगा बहुत अधिक चमत्कारी बदलाव आएंगे। शनिदेव जैसे कि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति को कम मेहनत में भी बहुत अधिक सफलता मिलती है, वहीं दूसरी ओर शनिदेव अगर कुपित अवस्था में होते हैं अर्थात उस व्यक्ति से क्रोधित होते हैं तो उस व्यक्ति को बार बार दुर्घटना, रोग, चोट पटक लगना और गाड़ी इत्यादि बहुत जल्दी खराब होना, उसमें पैसे बहुत जल्दी खर्च होना, यह शनिदेव के कुपित होने के सबसे बड़े लक्षणों के रूप में जाना जाता है। तो आज शनिवार का दिन है, प्रत्येक महिला हो या पुरुष परिवार में से एक जना भी यह कार्य कर लेगा तो पूरे परिवार को इससे लाभ मिलना निश्चित है। सरल सा तरीका मैंने आप सभी को बताया, वीडियो मददगार रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज शाम को यह कार्य करके जरूर देखिएगा। महादेव माता रानी आपके कष्टों का निवारण करें और मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राधे।